मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडली मुख्यालय अंतर्गत लतोना दक्षिण पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का है, जहां लतोना दक्षिण पंचायत के पैक्स अध्यक्ष निर्मला देवी के प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि कौशल यादव ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 1975 रुपए क्विंटल में किसानों के गेहूं पैक्सों को लिए जा रहे हैं। सभी किसानों से अनुरोध किया गया है कि जिस किसी की भी किसान के पास गेहूं है वह 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जितनी गेहूं है वो आकर लतोना दक्षिण पंचायत के पैक्सों को देकर रुपए तुरंत ले जाए। किसी भी किसान को गेहूं देकर रुपए के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी किसानों को गेहूं देने के तुरंत बाद ही रुपया मिल जाएगा। गेहूं की खरीदारी 15 जून 2021 तक चलेगी। जो भी किसान पैक्स में गेहूं देने के इच्छुक हैं वो 15 जून तक आकर दे दें। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पैक्स के बीसीओ परमेंद्र कुमार तथा डीओ अरविंद कुमार को मेरे तथा सभी किसानों की तरफ से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब से ये पदाधिकारी आए हैं किसानों के हित के लिए काम करते हैं, किसानों के हित के लिए सोचते हैं और साथ ही पदाधिकारी सहित किसानों का आभार भी व्यक्त किया। किसानों को गेहूं की अच्छी कीमत मिलने की खुशी देखी गई है। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि बाजार में गेहूं की कम कीमत रहने से हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गेहूं की बाजारों कीमत बहुत कम है। साथ ही यह भी बताया कि सभी किसानों को पैक्स में गेहूं की अच्छी कीमत मिलने से हम लोग खुश हैं। क्या नाम हुआ? अंजनी कुमार साहब। कहाँ का रहे? मटकुरिया। वार्ड नंबर 6। अभी आप कहाँ हैं? गेहूं तो हम दे ही दिए हैं, 1975 रुपये रेट। किनको दिए हैं गेहूँ? पैक्स अध्यक्ष। क्या है पैक्स अध्यक्ष? कहाँ का पैक्स अध्यक्ष? पैक्स अध्यक्ष तितवा दक्षिण पैक्स अध्यक्ष। क्या दाम में दिए हैं गेहूँ? 1975। इतना दिन से गेहूँ नहीं बेचे थे? ना, गेहूँ दे दिया, हमको मिल गया। अच्छा, पैसा दिया तुरंत? हाँ, मिल गया। ठीक है, मतलब इतना दिन से गेहूँ रखे हुए थे, रेट कम था इसलिए बाहर नहीं बेच रहे थे ना। तो अभी खुश हैं ना आप लोग? हम खुश हैं, हमको मिल गया। अच्छा, कितना एकड़ जमीन है आपके पास? मेरे पास तो 8.5 एकड़। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। कहाँ का है? तितवाहा। वार्ड नंबर 11। आप किसान हैं? जी। कितने एकड़ जमीन है आपके पास? 6-7 एकड़। अभी आप गेहूं रखे हुए थे, इतना दिन से नहीं बेचे? नहीं। क्यों नहीं बेचे, क्या कारण था? बाजार में भाव का अभाव था, 1600 कुछ रुपया कीमत नहीं था। तो अभी आप किसको दिए हैं गेहूं? पैक्स अध्यक्ष। कौन है आपका पैक्स अध्यक्ष? कौशल यादव, निर्मला देवी। कहाँ का पैक्स अध्यक्ष है? लतोना दक्षिण। कितना गेहूँ दिए हैं? 45। कीमत क्या दिया है? 1975। मतलब कीमत सही मिला? जी। आप खुश हैं? क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। कहाँ घर है? शिवनगर। वार्ड नंबर 10। आप किसान हैं? जी। कितना खेत है आपके पास? 10-15 एकड़ है सर। अच्छा, अभी आपके पास गेहूं बचा हुआ था तो पैक्स अध्यक्ष लिया क्या? जी जी। क्या दाम में लिया पैक्स अध्यक्ष गेहूँ? 1925 में सर। 75। कितना लिया? 1975। अच्छा, कितना गेहूँ दिए हैं? 46 क्विंटल। क्यों, इतना दिन से गेहूँ काहे नहीं बेचे थे? दाम का भाव में सर। और कीमत नहीं देता रहा बाजार में? बाजार में कीमत नहीं दे रही थी गेहूँ का? नहीं सर। अच्छा, अभी यहाँ पे दिए हैं तो आपको पैसा मिल गया? जी जी जी। मतलब दाम सही लगाया है? हाँ सर, दाम सही लगाया था। कौन सा पैक्स अध्यक्ष लिया है गेहूँ आपसे? कौशल। वो कहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं? लतोना दक्षिण का। क्या नाम हुआ? कौशल यादव। कहाँ का रहे? तितवाहा। आप पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं? हाँ, मैं। कौन सा पैक्स अध्यक्ष? कहाँ का? दक्षिण पैक्स के प्रतिनिधि हैं और मेरी पत्नी जो है वह पैक्स अध्यक्ष है। अच्छा, तो आपके द्वारा किसान का जो है गेहूँ खरीदा जा रहा है अभी? जी हाँ, जो किसान आते हैं उनका हम गेहूँ लेते हैं और उसे सम्मान पूर्वक यहाँ से विदा करते हैं। ये खरीदारी कब चालू हुआ? ये 1 माह पहले से शुरू हुआ, जिसमें 540 क्विंटल पहले मुझे लक्ष्य दिया गया था, जो 540 क्विंटल किसानों से लेकर मैंने उसका भुगतान किया और SFC को जमा करा दिया। फिर पुनः जमा करने के बाद मेरा CC बढ़ाया गया है, उसके लिए मैं जिला सहकारिता पदाधिकारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे पदाधिकारी जो हर वक्त किसान की सोच में आगे रहते हैं, तत्पर अध्यक्षों को निर्देश दिए होते हैं कि आप जल्दी से खरीदिए और जमा कीजिए, आपका जो है रिसाइकलिंग होते रहेगा और इसमें ज़्यादा पैसा भी सरकार का नहीं इन्वेस्ट होगा और आपका किसान का भी लाभ मिलेगा। ये आप जो गेहूं खरीद रहे हैं किसान से, किस कीमत में खरीद रहे हैं? कीमत क्या है, रेट क्या है? 1975 रेट है यहाँ के। 1975 में ले रहे हैं। अच्छा, ये खरीदी कब चालू हुआ गेहूं का? ये लगभग 1 माह पहले से चालू है। अच्छा, और 15 जून तक चलेगी। ये 15 जून 2021 तक चलेगी जी।
तो मतलब जो बेचना चाहे किसी भी किसान का ले सकते हैं? प्रखंड अंतर्गत जो भी किसान, जहाँ भी किसी किसान को लगे कि मेरे पैक्स में कम रेट मिल रहा है तो मेरे यहाँ 1975 उसको मिलेगा और मैं उसे यहाँ सम्मान पूर्वक उसी दिन उसके खाते में पैसा दूंगा। जितना उसका वजन होगा वो रख लेंगे उसमें। बस किसान को देना क्या है कि हमें एक ज़मीन का रसीद और उसके नाम से जो आधार कार्ड है वो और अकाउंट नंबर देना होगा उनको। और गेहूँ देगा आपको तुरंत पैसा दे देंगे उसको? जी हाँ, ये जो नया नियम लागू किया है मैं खास करके इस अधिकारीगण को धन्यवाद दूंगा कि अब किसान कभी गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए गुलामी नहीं करेंगे कि कोई भी किसान किसी भी पंचायत में बेच सकते हैं, किसी भी पंचायत के किसान किसी भी पंचायत में बेच सकते हैं। अगर मान के चलिए हम मनमानी करेंगे तो लतोना उत्तर में बेचेंगे, उसके बाद जिस पंचायत में होगा वहाँ बेच सकते हैं, लेकिन वहाँ के अगर मनमानी करेंगे तो हम यहाँ लेंगे। किसान के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रखंड क्षेत्र के तमाम किसान को आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आपका स्वागत है, मेरे यहाँ आप गेहूँ बेचें, मैं 24 घंटा आपके लिए सदैव तैयार रहूँगा। और ख़ास करके प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जो परमेंद्र कुमार है वह मेरे निकटवर्ती जो कि क्षेत्र है वहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं कि आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप लतोना दक्षिण में जा करके बेच सकते हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो हमारे SFC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका जितना तारीफ की जाए वह कम है। इस बार कम जगह रहते हुए भी पूरे ज़िला में गोदाम की क्षमता बहुत कम है मेरे सुपौल में, फिर भी जैसे ही मेरा खरीद होता है वह STR निर्गत कर देते हैं और मेरा गेहूं जमा कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि पुनः जो है हमारे यहाँ का CC बढ़ जाता है और पुनः हम किसानों की गेहूँ ले लेते हैं। अभी मेरे यहाँ लगभग 1000 क्विंटल का CC हुआ है और जिसमें 450 क्विंटल मैंने खरीद कर लिया और 450 क्विंटल अभी लेना, लेकिन ये 450 क्विंटल की बात नहीं, ये मेरा 2 दिन के अंदर उड़ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं गेहूँ, ये 2 दिन के अंदर उड़ जाएगा, फिर ये पैसा आ जाएगा। इसलिए किसानों को कोई परेशानी नहीं है मेरे यहाँ, और जितना बेचना चाह रहे हैं वो आए, लेकिन फर्जी किसान ना आए। जो किसान जमीन है उसका जमीन का कागजात देखा जाएगा और वो किसान के घर तक हम प्रयास करेंगे कि जाकर के उसके घर में गेहूं है कि नहीं, ये भी हम प्रयास करेंगे। ये लक्ष्य कितना गेहूं खरीदने का है, जितना दे सके किसान उतना ले सकते हैं या लक्ष्य है? ये प्रखंड क्षेत्र में जितने किसान कृषक है अगर कहीं पर कोई अध्यक्ष परेशान कर रहे तो मेरे तक जाकर दे सकते हैं, मतलब सभी किसान से ले सकते हैं। जी हाँ, जैसे आज मैं ये जो सज्जन नगर केजरीवाल जी है राधे बाबू के, उनके यहाँ गए थे तो उनके यहाँ बहुत अच्छा गेहूँ देखा मैंने और मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं बेचते, तो बोले कि कोई पैक लेने वाला नहीं। बोले मैं तो ले रहा हूँ। बोला आप जानकारी हैं? बोले जानकारी तो मैं आपको दिया, वो कल आएंगे उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ। मतलब कोई आपका लक्ष्य नहीं, जितना किसान देंगे गेहूँ आप ले सकते? जी हाँ। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव। कहाँ कर रहे हैं? कसा वार्ड नंबर 3। आप कहाँ आए हैं? पैक्स में धान देने के लिए। धान गेहूँ? क्या दाम लगा रहा है गेहूँ का? 1975 रुपया गेहूँ का दाम लगा रहे हैं। तो आप इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश है, बहुत पहले से पहले भी देते आ रहे हैं धान इसको। कितना खेत है आपके पास? 6 एकड़। आप इतना दिन से गेहूँ क्यों नहीं बेचे? गेहूँ इस खरीद नहीं कर रहे थे ना, बोले कि अभी टाइम है थोड़ा लेट लगेगा इसलिए नहीं खरीद की। मार्केट में कीमत नहीं दे रहा? मार्केट में इसका कोई कीमत ही नहीं दे रहा है, इसलिए गेहूँ को रखे हुए थे। इधर पैक्स में खरीद शुरू हुआ तो हम पैक्स में दे दिए। अभी आप खुश हैं आप लोग किसान? बिल्कुल खुश है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनमोल जान। कहाँ घर है? कसा वार्ड नंबर 3। आप कहाँ आए हैं अभी? गेहूँ। किसके यहाँ? पैक्स अध्यक्ष। आप लोग इतना दिन से गेहूँ नहीं बेचे थे? नहीं, भाव कम लगवे था, रेट कम था। कितना खेती करते हैं आप? करीब 4-5 बीघा। किसान से खुश है ना अभी? ऑनलाइन भारत के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट, त्रिवेणीगंज, सुपौल। मैनाटान प्रखंड मुख्यालय के पुराने हॉस्पिटल में अभियान चलाया गया जिसमें ब्लॉक विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, BCM अनिल कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार और हॉस्पिटल स्टाफ तथा आशा कार्यकर्ता और स्थानीय मुखिया अशोक कुमार मौजूद रहे और गूंज NGO की तरफ से ज्वाला भारती ने हॉस्पिटल स्टाफ और आशा कार्यकर्ता को बेसिक महामारी COVID-19 में यूज होने वाली सभी सामग्री जैसे पैरासिटामोल, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ORS, ग्लोब्स, BP किट, सैनिटाइजर, मल्टीविटामिन टेबलेट आदि सामान एक एक किट बनाकर सबको दिया। और गूंज NGO की तरफ से ज्वाला भारती ने बताया कि सभी व्यक्ति जो समर्थ हैं उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। जिस वार्ड में किसी को खाने को नहीं उन्हें दाल चावल सामग्री दी जाएगी, यह बहुत ही सराहनीय काम है। ब्लॉक विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि जहां हम लोग और असमर्थ हो जाते हैं वहां पर गूंज NGO की तरफ से ज्वाला भारती की मदद मांगी जाती है तो वो लोग मदद भी करते हैं। R9 भारत के लिए अवधेश गिरी की रिपोर्ट, नरकटियागंज।
मुंगेर मर्चेंट नेवी में कार्यरत इंजीनियर नीलेश एवं अंकित दो चचेरे भाइयों ने आपदा को बदला अवसर में लॉकडाउन में स्वरोजगार आरंभ कर कई कई ग्रामीणों को दिया रोजगार। तारापुर प्रखंड के महमदपुर निवासी नीलेश कुमार और अंकित कुमार पेशे से मर्चेंट नेवी में फोर्थ इंजीनियर के पद पर हैं और लॉकडाउन के कारण अमेरिका का वीजा नहीं बना, जिसके बाद वो अपने ही घर पर स्वरोजगार आरंभ करने की योजना बनाई उन्होंने, ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके और ग्रामीण जिन्हें लॉकडाउन के कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको भी रोजगार उपलब्ध करा सके। नीलेश कुमार ने बताया कि वह चेन्नई से जीएमके इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शिक्षा प्राप्त की है और मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे हैं और इस दौरान दोनों युवा ने तकरीबन 2018 से 2020 तक कार्य किया है। मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, दुबई सहित आधा दर्जन से अधिक विदेशों में जाकर अपनी सेवा दी है। बीते वर्ष कोरोना की भयावह स्थिति में जब घर आए तो उन्हें अमेरिका जाना था, लेकिन लॉकडाउन हो जाने के कारण वीजा नहीं मिल पाया और इसके बाद प्रयोग के तौर पर अपने गांव महमदपुर में ही दोनों युवा इंजीनियर ने मुर्गी, बकरी और मछली पालन करने की योजना बनाई और इस कार्य को अंजाम देना आरंभ किया। एक वर्ष पूरे होते होते इन्होंने सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया। अंकित ने बताया कि राजस्थान के बर्बरी एवं बीटल तथा देसी नस्ल की बकरी तथा देसी एवं कड़कनाथ मुर्गा, जबकि अपने ही जमीन में बनाए गए पोखर में रोहू, कातल और सीलन मछली का पालन आरंभ किया, जबकि पोखर में चारों ओर पर्यावरण को संतुलन करने के उद्देश्य से नारियल और सागौन के पेड़ भी लगाए। इन्होंने कहा कि कन्याकुमारी में एक साथी द्वारा बकरी पालन करने से प्रेरित होकर इस योजना को मूर्त रूप दिया। इंजीनियर होकर इस कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से चारों ओर चर्चा का विषय बन रहे हैं, जबकि दोनों युवा सरकारी सहायता भी नहीं लिए। बताते चले कि इनके पास जमीन है, वैसे लोगों को अब सरकारी और गैर सरकारी नौकरी की आस छोड़कर स्वरोजगार करना चाहिए, ताकि आप अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सके। जैसे अभी हम लोग लास्ट लॉकडाउन जो लगा तो फिर हम लोगों को ऐसा हुआ कि मतलब वीजा वगैरह लेने में परेशानी हो रही थी फॉरन जाने में, तो फिर हम लोग सब भाई लोग बैठे सोचे कि गांव में भी हमारी ज़मीन थी तो हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत सबसे डिस्कस किए। फिर उसके बाद फिर मेरा भाई है नीलेश, तो उसका कोई फ्रेंड है कन्याकुमारी में, तो उसने एक आइडिया दिया था कि गोट फार्मिंग का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। तो अब गोट फार्मिंग में भी दो चीज़ होता है, एक देसी नस्ल होता है और फिर देसी मतलब यहाँ का जो मिलता है ब्लैक बंगाल, जो हम लोग मतलब पारंपरिक जो ये ब्रीड होता है, तो उसका क्या दिक्कत है कि वो लोग 1.5 से 2 साल में मतलब तैयार होता है, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट हम लोग ले नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग राजस्थानी ब्रीड मंगाए, बीटल मंगाए, सिरोही मंगाए और फिर उसका व्यवस्था किए खाने पीने का सब कुछ, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने में बेचने लायक अच्छा मार्केट वैल्यू उसका मीट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से मिल जाता है। क्या 8 से 10 महीने में वो एक मतलब लगभग 40-50 किलो के आसपास का हो जाता है। हम लोग तो इसको और फैलाना चाहते हैं और भी इसको बृहद पैमाने पे करना चाहते हैं। ये तो एक फार्म खुला है और भी 2-3 फार्म का हम लोग सोच रहे हैं। बस थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि अभी जैसे यहाँ का क्लाइमेट है तो इसमें बस देखना, अभी मतलब शुरू किए हम लोग 26 बकरी से और 26 बकरी, फिर अभी मतलब देखना है कि क्लाइमेट किसको क्या सूट करता है और किसमें क्या बीमारी वगैरह, वैक्सीनेशन भी हम लोग किए हैं, तो बस फिर आगे देखते हैं। अभी 1 साल के अंदर रिजल्ट तो अभी मिल रहा है और जैसे अभी मतलब ये मुर्गा मुर्गी का भी चालू किए हैं तो वो अंडा भी बिक जाता है यहाँ पे गांव में और फिर वो शुद्ध होता है, देसी होता है, तो लोग ढूंढते हैं, पूछते हैं। हाँ, रेट मिल जाता है, रेट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनके वजह से ये जो कोरोना महामारी आया तो फिर सब और क्वालिटी, जैसे मीट इंडस्ट्री हुआ, एग हुआ, तो सब क्वालिटी अब मार्केट में वो लोग को उतना मिल नहीं पाता, तो लोग यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ, पूछते हैं कि अंडा वगैरह जो भी है, चिकन वगैरह, तो वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। ठीक, बता दें, मेरा नाम अंकित कुमार है। क्या हैं आप? जी, मैं 3rd इंजीनियर हूँ मर्चेंट नेवी में। मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ, मैं मर्चेंट नेवी में एज ए 4th इंजीनियर सेल कर रहा हूँ। अभी फिलहाल लॉकडाउन के वजह से हम लोग इधर फंसे हुए हैं, मैं और मेरा भाई दोनों 4th इंजीनियर हैं, तो अभी दोनों इधर ही हैं। तो फिलहाल हमने सोचा क्या किया जाए, तो हमने बकरी पालन का शुरुआत किया है अपने इलाके में। जी, हमने राजस्थान से मंगवाया है, बरबड़ी है, अभी बीटल है और एक अफ्रीकन बोर है और ब्लैक बंगाल है। अपने यहाँ है दोनों में? अपने यहाँ के ब्रांड में ग्रोथ कम होती है जिसके वजह से प्रॉफिट भी हमें नहीं मिलती, और इस बरबड़ी में ग्रोथ ज़्यादा है और दाम भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, जिसके वजह से हमने बरबड़ी लाने का सुझाव अच्छा लगा तो हमने ये लाया। कैसे? हमारा एक फ्रेंड है कन्याकुमारी में, तो उसके पास भी अच्छे अच्छे ब्रीड हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी करिए,
इसमें अच्छा फ्यूचर बहुत अच्छा मिलेगा आपको इसमें। तो मैंने फिर सब राजस्थान से अपने फ्रेंड से कंसल्ट करके मंगवाया है। तो ये किया है यहाँ पे जी, सहयोग का देखा जाए तो हमें अपने थाने से बहुत सहयोग मिला, हमारे मुखिया बिहारी सिंह उनसे भी बहुत सहयोग मिला है। सरकार से यही मांग है हमारी कि थोड़ा हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग अपने गांव को, डिस्ट्रिक्ट को और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाएं। यहाँ पे व्यवस्था हमने यहाँ पे दो स्टाफ रखे हुए हैं जिसमें हमारे खुद के एक अंकल हैं जो कि सब चीज़ देखते हैं, रात दिन यहीं पर रहते हैं। इन्हें 3 टाइम का खाना दिया जाता है, मुर्गों को दिया जाता है, फिर मछलियों को 2 टाइम का खाना दिया जाता है, पानी का व्यवस्था है, समरसेबल है और वैसा कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पे। गांव भी बहुत अच्छा है हमारा, सब सपोर्ट करते हैं मिलजुल के और सभी अच्छे हैं। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, अगर क्वालिटी मिलेगा तो बिल्कुल होगा सर। मुर्गे की कौन सी क्वालिटी है आपके पास? मुर्गे में हमने देसी रखा हुआ है और कड़कनाथ रखा हुआ है। आपका विचार है? विचार सर इसे बस बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है और सभी जो गरीब हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें रोजगार देना है। कितने दिन से स्टार्टिंग किया है आपने इसे? हमने 2020 से स्टार्ट किया है, जो लास्ट लॉकडाउन था उस समय से हमने ये स्टार्ट किया है। क्या लग रहा है आपको, इससे बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है सर, हमें बेनिफिट मिल रहा है, गांव वाले का सपोर्ट है इसलिए बेनिफिट मिल रहा है। और तारापुर हमारा जो है जगह जहाँ पे हम लोग देते हैं अपना मटेरियल, वहाँ भी इससे भी हमें सपोर्ट मिल रहा है अच्छा खासा। रेट ठीक ठाक मिल पा रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। आप अपना नाम और पूरा परिचय बता दें। मेरा नीलेश कुमार नाम है, मैं तारापुर का निवासी हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हूँ, एज ए फोर्थ इंजीनियर मैं सेल करता हूँ। R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट, मुंगेर बिहार।